अगर विक्टोरिया मोहतरमा बोल पड़ी तो हमें हर जगह तलाश किया जाएगा। जो मंसूबे मैंने इतनी मेहनत से बनाए थे उन सबको बर्बाद होकर अपने खिलाफ जाते देख रहा हूं। तो अब हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे जिसके माहिर हैं। लड़ेंगे, हम हर मैदान जंग को खून में तब्दील कर देंगे। हम सदियों से इस जंग के मुंतजर हैं। बस फिर मैं मजीद गुफ्तगु नहीं चाहता। अब बातों का वक्त नहीं, कार्रवाई शुरू करो बिना वक्त को जाया किए। कुस्तुनतुनिया की जिन गलियों में तुर्क सालों से अपने कदम जमाए बैठे हैं, मैं वहां खून की नदियां देखना चाहता हूं। खून की नदियां, खून की। तुम लोगों ने अपने ख्वाबों के लिए हमसे मदद मांगी और हमने की। अब ये जंग का वक्त है जब हम सरहद पर उनकी फौज से निमट रहे होंगे। तुम लोग शहर के अंदर नई सरहदें कायम करोगे, तबाह कर दोगे। फतह के मुंतजर आर्मेनियाई नौजवान आग लगाने के लिए दौड़े चले आएंगे। जनाब सेस्ते आए हैं, आने दो से। कहां रह गए थे तुम? अब सूरत हाल पहले जैसी नहीं रही, यह आना इतना आसान नहीं था। विक्टोरिया जिंदा है? मुझे भी जहर का तिर्याक दो। पहले तुम्हें बोलना पड़ेगा, उसके बाद मिल जाएगा। क्या चाहते हो? कोक्स कहाँ है? तुम लोगों ने हथियार कहां छुपाए हुए हैं? तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है विक्टोरिया, बस कुछ ही लम्हों बाद तुम्हारे फेफड़ों को ऐसा नुकसान पहुंचेगा जिससे कोई वापसी नहीं और तुम मर जाओगी। दर्द सहते सहते मर जाओगी। बताओ अब। ये तो फिर बताऊंगी। पहले तुम बताओगी कोक्स कहां है? कहां है? कोक्स गोल्डन हॉर्न के कारखाने में छुपा हुआ है। अब दे दो मुझे ये तिर्याक। ये तो मीठा है। शरबत है, खालिस फालसे का शरबत है। अच्छा लगा तुम्हें? मैं तुम्हें मार डालूंगी। मकतब के तालिबे इल्मों को अब इस यादगार वाक्य के बारे में भी बताना। अगर यहां से निकल जाओ तो शरबत। शरबत विक्टोरिया अभी तक जिंदा है। विक्टोरिया जिंदा है अभी तक, इसीलिए अभी आप खतरे में हैं। बदकिस्मती से आपको इसके एतराफ के मुताबिक कार्रवाई करनी होगी। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बोल पड़ेगी या नहीं। सुलेमान अस्करी यकीनन ये जगह ढूंढ लेगा। आपको जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। क्या कहा? मैंने कहा आपको जल्दी से निकलना होगा। हम हालात जंग में हैं, सरहद नहीं छोड़ेंगे, इनसे यही लड़ेंगे। अगर वो यहां आए तो उन्हें यही दफना देंगे। काश इतनी जहानत और बहादुरी बाजार में भी दिखाई होती।
तो आज ये नौबत ना आती। उम्मीद करता हूं कि तुम खुदा होगे सुलेमान। सुलेमान इस वक्त जोश में है, यकीन रखें कि वो खुद ही आएगा। तो फिर ठीक है, जल्दी तैयारी करो, जल्दी करो। अब हम क्या करेंगे कॉक्सदार? जिसके माहिर हैं, हम कुस्तुन दुनिया में आग लगा देंगे। अब जबकि वो खुद हम तक आ जाएंगे तो हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे ख्वाबों के लिए जंग लड़ने का वक्त आ गया है। हम पहली सरहद यहां खोलेंगे। ये हथियार मौत का खेल और खून बहाना यहां से शुरू करेंगे। उस्मानी फौज के हर फौजी की मौत हमारे लिए फतह होगी। आओ सुलेमान, आओ, अपने जहन्नुम में आओ।